अस्सलाम वालेकुम। एक मैसूर मस्जिद खिदमत की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल है। बहुत सारे एक दीनी कामों में और जमाती कामों के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे खिदमत की हुई है, तो इसकी जानिब की वजह से एक मैं बेंगलोर के अंदर तोकल मस्तान शाह वली बाबा की दरगाह के पास ऑल इंडिया मुस्लिम केरला एसोसिएशन की जानिब से एक 100 साल का जलसा प्रोग्राम आज चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से जब वह काफिला कूर्ग और केरला जो रूट से निकले मैसूर के लिए, तो इनको खाने पीने की तकलीफ बहुत हो चुकी है सवेरे जाने के टाइम। तो इसकी जानिब से हमारी मैसूर मस्जिद खिदमत की तरफ से शाम का जो है इनको खाने का इंतज़ाम किया गया हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर खिदमत की वजह से। और इसमें एडवाइजरी मस्जिद वन मोमेंट की तरफ से एडवाइजरी हुई है हम लोगों को ये प्रोग्राम करने की जानिब के लिए। और रिंग रोड के अंदर वाइट पैलेस शादी महल के थोड़ा बहुत सामने करीबी में एक सेटअप बनाया हुआ है, इसको शाम को 7 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक भी खाने की तकसीम होगी यहाँ पर पार्सलों के तौर पर। तो इसकी जानिब से अपील ये है कि तमाम मैसूर शहर में कोई इस चीज़ में अगर खिदमत करना भी चाहते हैं तो बढ़ चढ़ कर आगे आएँ, अगर नहीं भी हैं तो हमारे खिदमत गुजारों से अपील है कि इस काम में शरीक होकर इस काम को कामयाब अता फरमाएं और मैसूर का नाम जो है इसके अंदर अच्छे पैमाने पर लाए। और कोई इस काम के अंदर खिदमत लेने वाले, खिदमत करने वाले अगर इसमें मौजूद हैं तो नीचे नंबर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। शाम को 5-6 बजे तक भी इस खिदमत के लिए इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसा कि आप सब जानते हैं, 100 साल का एक बहुत बड़ा आलीशान इस एक फंक्शन सुनी जमात का हो रहा है बेंगलुरु के अंदर। जैसा केरला से लेकर कोड़क तक रूट में जैसे उनको खाने पीने की तकलीफ़ हो रही है, जैसे हमारे मस्जिद वन मूवमेंट को पता चला, जैसे कॉल आया हमारे मकबूल भाई और जितने भी हमारी टीम है, ये हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इनके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं और पानी खाने का। और जहाँ कहीं भी केरला वाले जो मेरी बात सुन रहे हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार उसमें हैं, तो आप उनको आपके व्हाट्सएप के ज़रिए एक मैसेज करके सुनाइए कि रिंग रोड में वाइट पैलेस के अपोजिट ही उधर एक मुकाम बनाया है, इधर आकर आप ये ज़रूरत आपकी पूरी कर सकते हैं इंशाल्लाह।